सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। विड्रोल ब्लीडिंग और आपके पीरियड्स में क्या अंतर होता है और आप कैसे जानोगे कि जो आपको ब्लीडिंग हो रही है वो आपके पीरियड्स हैं या फिर ये विड्रोल ब्लीडिंग है, तो यही इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैनल, और बिना किसी डिले के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो जानते हैं कि विड्रॉल ब्लीडिंग आखिर होती क्या है और ये क्यों होती है, उसके पीछे की पूरी साइंस को अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। तो यूजली जो विड्रॉल ब्लीडिंग है ये हार्मोनल पिल लेने से होती है। अगर आपने कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है या फिर 21 दिन वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है, रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, या फिर आपने कोई प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन या फिर मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जैसी हार्मोनल पिल ली है, या फिर कोई एंटीबायोटिक्स जैसे इरिथ्रोमाइसिन या फिर एंटीफंगल मेडिसिन या फिर कोई स्टेरॉयड मेडिसिन या फिर एंटी मलेरियल ड्रग जैसे क्लोरोक्विन जैसी कुछ ड्रग्स जो कि विड्रॉल ब्लीडिंग को कॉज करती है। लेकिन यूजली जो पेशेंट्स आते हैं या फिर जो व्यूअर्स हैं वो यूजली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को जब लेते हैं तो जब उनको ब्लीडिंग होती है तब वो पूछते हैं कि सर ये मिड साइकिल में ब्लीडिंग कैसे हो गई और ये कौन सी ब्लीडिंग है। तो यही जो ब्लीडिंग है इसको विड्रॉल ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। जब आपके पीरियड्स के बीच में या फिर जो आपकी पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट है उससे पहले ये ब्लीडिंग हो जाती है, और अगर आपने कोई हार्मोनल पिल ली है तो विड्रॉल ब्लीडिंग कॉज होती है, ठीक है। अब जज कैसे करें कि जो आपको ब्लीडिंग हो रही है वो आपके पीरियड्स हैं या फिर विड्रॉल ब्लीडिंग है? तो गाइस देखिए, जो आपका पीरियड साइकिल है वो तो एक फिक्स टाइम पर ही आएगा, वो आपको पता है कि आपके ये पीरियड्स हैं, ठीक है। पहली बात तो यही होगी, अगर पीरियड से पहले ही आपको ब्लीडिंग हो रही है और अगर आपने कोई हार्मोनल पिल ली है या कोई ड्रग लिया है और अगर आपको टाइम से पहले ही ब्लीडिंग हो रही है ना, तो ये विड्रॉल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। दूसरा, जो विड्रॉल ब्लीडिंग है उसमें आपके पीरियड से कम ब्लीडिंग होती है यूजली, और जो ये ब्लीडिंग है ये ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की होती है। इसमें पेनलेस ये ब्लीडिंग होती है, इसमें पेन नहीं होता, लेकिन कई बारी बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, जितना आपको पीरियड्स में नहीं होता उससे ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। ये जो विड्रॉल ब्लीडिंग है ये कम से कम 2 या 3 दिन तक होती है, लेकिन मैक्सिमम 5 दिन तक होती है, ठीक है। और जो आपका पीरियड साइकिल होगा उसका तो आपको पता ही होगा कि आपको कितने दिन तक पीरियड रहता है, ठीक है। तो आप दोनों में डिफरेंस ये जान लोगे, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि जो विड्रॉल ब्लीडिंग है अगर आपको टाइम से पहले हो रही है, जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है पीरियड्स की अगर उससे पहले हो रही है तो ये विड्रॉल ब्लीडिंग है। अगर पेन ज़्यादा हो रहा है बहुत ज़्यादा या फिर पेन हो ही नहीं रहा तो ये एक विड्रॉल ब्लीडिंग है। अगर इसका कलर ब्राउन कलर का है और या फिर ये ब्लैक कलर का है तो ये विड्रॉल ब्लीडिंग है, ठीक है। तो आप ऐसे इन दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।